जिंदगी दुनिया में बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वाकई में अपनी जिंदगी जीते हैं। मेनी ऑफ अस यहाँ पे भी बैठे हुए बहुत लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं। भाई पैदा क्यों हुए हो? बस हो गए। भाई सीएस क्यों कर रहे हो? भाई वो दादा चाहते थे। अच्छा दादा कहाँ है? दादा तो मर गए। तो बेटा तू क्यों जिंदा है? तू भी मर जा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ, मेरा गोल क्या है, मेरा टैलेंट क्या है, मेरी डेस्टिनी क्या है, मेरा विजन क्या है, मैं एक्चुअली मैं करना क्या चाहता हूँ। एवरीबॉडी सिटिंग ओवर इज अ परफेक्शनिस्ट। हर कोई कहता है यार जिंदगी जब परफेक्ट होगी ना मैं तब जीऊंगा। अच्छा वो परफेक्ट का जो मतलब है वो हर किसी ने अलग अलग रखा हुआ है। कोई कहता है व्हेन आई विल बी अ मिलियनेयर मैं तब अपनी जिंदगी जीऊंगा, जब मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूंगा मैं तब अपनी जिंदगी जीऊंगा। एक तकिया कलाम है हमारे यहाँ कि बेटा प्राइमरी पास कर लो, सेकेंडरी बहुत आसान है। बेटा सेकेंडरी कर लो, मैट्रिक तो हलवा। बेटा मैट्रिक कर लो, सेकेंड ईयर पास कर लो, बस सेकेंड ईयर के बाद यूनिवर्सिटी में जाओगे ना डिग्री दे के ही निकालेंगे, वैसे नहीं निकालेंगे। अच्छा जी चलो जी, अम्मी ने कहा बैचलर्स कर लो। अच्छा जी बैचलर्स करके लड़का निकलता है, चलो बॉस अब शादी करना है हमारे, अब मैं शादी करूंगा। बेटा अभी तुमने मास्टर 2 साल फिर मास्टर पे लगाओ। चलो जी मास्टर्स भी कर ले, मास्टर्स कर लो फिर तो जॉब लग जाएगी। जॉब तो इतनी आसान है, कुछ है ही नहीं, जॉब तो हलवा होती है, बट जॉब लग जाती है जी। चलो जी जॉब लगे मैं सर की, जी सर, जी सर, सर मैं पागल, सर मैं मेरी गलती, सर मेरी गलती, जी सर बावर्ची ने खाना सही नहीं बनाया चाय आपको से नहीं, मेरी गलती सर, बिल्कुल बिल्कुल इसमें जिंदगी। बेटा अब चलो जॉब होगी ना, अब एक काम करो शादी कर लो, शादी तो बहुत आसान है, उसके बाद बंदा सेटल हो ही जाता है, बस शादी पिनिकल है बहुत। चलो जी शादी हो गई, चलो शादी हो गई उसके बाद बच्चे हो गए, तो बच्चों वही साइकिल रिपीट हो जाती है और एंड में क्या जुमला बचता है? बस बेटा मर जाओ, कब्र के अंदर चले जाओ, फिर आसानी आसानी है। तो ये जिंदगी हम सबको चाहिए, तो परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट मोमेंट जिंदगी में कभी आएगा ही नहीं। क्या जिंदगी है कि गुजार दी दूसरों के कहने पे? क्या अल्लाह ने आपको इसलिए पैदा किया था कि टू बी एवरेज? डिड अल्लाह क्रिएट यू टू बी एवरेज? क्या ये मकसद था आपका कि आप एवरेज बन जाए? क्या आपका ये मकसद था कि आप एक सुबह उठे और अगली सुबह को बस मर जाए? नहीं, आपका ये विजन नहीं है, आपका आपका ये मकसद नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि अभी तक आपने अपने आप को पहचाना नहीं है, अपने आप को जाना नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। हमारी थॉट्स, हमारे ड्रीम्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, हमारे ड्रीम्स हमारे थॉट वाईफाई की तरह होते हैं, हमें दिखते नहीं है बट हैं, होते हैं। आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल उस ड्रीम, उस विजन को मैनिफेस्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर आप खुद ही स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको एक बंदा आके कह दे यू कैन नॉट डू दिस, आप क्या करेंगे? यार सही कह रहा होगा, मैं शायद वाकई में नहीं कर सकता। Why are you letting anyone tell you that you cannot do this? Why are you settling for less? आप अपने ऊपर क्यों कंट्रोल नहीं ले सकते? Why are you not overcoming your fears and your failures? एक फेलियर जो है वो क्या होता है? आपके विजन की प्राइस होती है। हर चीज की एक प्राइस होती है। आप ये पेन खरीदने, ये मार्कर खरीदने जाएंगे, इसकी एक प्राइस होगी। आपका जो विजन है उसकी भी एक प्राइस है, लेकिन करेंसी डिफरेंट है। क्या है करेंसी? फेलियर्स। माई उस्ताद, माई टीचर शेख आतिफ टेल्स मी दैट जो फेलियर्स होते हैं ना, दीज आर द बेस्ट डिग्रीज दैट यू हैव। आप फेल नहीं हुए, आपने 100 तरीके निकाल लिए काम को करने के, आपने लॉग फाइल प्रिपेयर कर दी अपने जूनियर्स के लिए। स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ दैट आई लैक दिस, आई एम नॉट वर्थ इट, दैट्स नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन नॉट डू दिस, आई विल सेटल फॉर लेस। मैं 30,000-50,000 की नौकरी करके और एक छोटा सा घर होगा, मेहरान गाड़ी होगी और पैसे बचे तो कुत्ता भी ले लूंगा, बच्चे को छोटे से स्कूल में मैं दाखिला करा दूं। यू आर नॉट मेड फॉर दिस, आप इसलिए बने नहीं है। बट स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ, हमारे जो वर्ड्स होते हैं ये सीड्स की तरह होते हैं, सीड्स की तरह होते हैं। इफ यू वांट एप्पल्स, आप एप्पल सीड्स ही डालेंगे। इफ यू वांट ऑरेंजेस, आप ऑरेंज सीड्स ही डालेंगे। एंड इफ यू वांट समथिंग एल्स, आप उसी के सीड्स डालेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कैक्टस के सीड डालें और आप एक्सपेक्ट करें कि यार मनु सलवा पैदा हो जाएगा यहाँ से। दैट्स नॉट हाउ द नेचर वर्क्स। सो पुअर माउथ इज इक्वल टू पुअर लाइफ। क्योंकि होता क्या है, जब आप अपने आप को बताना स्टार्ट करते हैं ना कि यार मैं ये कर नहीं सकता, और जब आप अपने आप को बताना सकते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप एक बिलीफ सिस्टम में रहना स्टार्ट कर देते हैं। वो आपको घेरती रहती है, वो सर्कल बनता रहता है। आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन, आई एम नॉट वर्दी, आई कैन, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता। मैं अभी हाल ही में मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट की डेथ हुई है पढ़ाई के प्रेशर की वजह से। सो आपने अपने आप को ऐसा भी नहीं बनाना कि आप अपने आप को ये कह के कि मर जाए कि आई कैन नॉट डू दिस, मैं बना ही नहीं हूँ इसलिए, आई कैन, दुनिया मैं क्यों करूँ, कोई और कर लेगा। ऐसा नहीं है, यू हैव टू डू दिस। जो आपने अपने लिए विजन सोचा है वो आप करके रहेंगे, लेकिन उसके लिए यू नीड टू हैव अ गुड माउथ। अगर आप अपने आप को यही कहते रहेंगे कि यार नहीं मैं नहीं कर सकता, तो यकीन मानिए आप वाकई में नहीं कर सकते। फिर छोड़ दें और सेटल हो जाएं उसी जिंदगी के लिए जो हर कोई जी रहा है। भाई देखें, एक जानवर भी इस दुनिया में आता है, खाता है, पीता है, उसको भी रोजी रोटी अल्लाह दे देता है, वो भी बच्चे पैदा करता है और चला जाता है। तो क्या फर्क हुआ आप में और एक जानवर में, मुझ में और एक जानवर में? क्या फर्क हुआ कि अगर मैं वही जिंदगी गुजार के चला जाऊं? कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल्स। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग विद योर विजन, उसको अलाइन करके रखना है जैसे सहाबा ने किया। और हाँ, बहुत सारे फेलियर्स आएंगे भाई, बहुत सारे फेलियर्स आएंगे। एक बार में तो माचिस भी
भी नहीं चलती, जो बॉय यहाँ सिगरेट पीता है उसको भी पता है छन छन लाइटर नहीं चलता एक बार में, तो विजन भी एक बार में हासिल नहीं होगा। एक साहबा नमाज पढ़े थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे वहाँ पे, उन्होंने नमाज पढ़ी, वापस आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा नबी ने कहा इरजे फसल्ली फइन्नक लम तुसल्ली, गो बैक एंड डू योर प्रेयर्स अगेन। वो वापस गए फिर नमाज पढ़ी, फिर आए फिर सलाम किया, प्रॉफिट ने कहा गो अगेन डू योर प्रेयर्स अगेन, फिर आए फिर सलाम किया, फिर बोला गो, तीन बार हुआ। फोर्थ टाइम जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गो बैक एंड प्रे अगेन, तो उन्होंने बोला आई कैन नॉट डू बेटर देन दिस, प्लीज हेल्प मी। यहाँ से सबसे पहली दलील ये, अगर आपसे काम सही नहीं हो रहा अपने टीचर्स को प्लीज कंसल्ट करें, क्यों? क्योंकि वो उस चीज से गुजर चुके हैं। चूज द राइट मेंटर, हुज़ैफा आई एंड अवाब, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम अ कंप्यूटर साइंसेस ग्रेजुएट बट व्हाट आई एम डूइंग, मुझे अपना विजन कब मिला? अपने टीचर से मिलके। यू नीड टू हैव द राइट मेंटर्स विद यू। क्या सबसे पहली दलील क्या मिली? चूज योर राइट मेंटर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, बताया कि आपने रुकू में सही से ठहराव नहीं किया, जो भी उनकी प्रॉब्लम थी वो बता दी। दूसरी दलील, अगर एक काम सही से नहीं हो रहा उसका ये मतलब नहीं है कि वो काम गलत है, उसका ये भी मतलब हो सकता है कि यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली। जब आप वो काम सही से करोगे तब ही अल्लाह ताला उस काम को आपके लिए सही से उस अंजाम तक पहुंचाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गलत काम करें और आप विजन पे भी पहुंच जाएं, हो सकता है विजन पे भी पहुंच जाए लेकिन वो सुकून फिर आपको, अभी हम कल परसों बात कर रहे थे कि अगर आप लोगों के पास पैसा हो तो आप क्या खरीदेंगे, सब अपने माइंड में आंसर, मेरा जवाब है सुकून। कोई कहता होगा गाड़ी खरीदे, कोई कहता होगा घर खरीदे, कोई कहता, लेकिन जब पैसा होगा ना आपके पास, जो आप और जिम कैरी का सबको पता होगा, जिम कैरी की इतनी जबरदस्त बात है, वो कहता है आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी रिच, मेरी दुआ है, मैं भी वही दुआ करता हूँ, मैं भी अल्लाह दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर किसी को अमीर कर दे, हर किसी के पास पैसा दे दे, फिर सबको समझ आएगी कि पैसा हर कुछ हर चीज नहीं होता। लेकिन जब आप विजन के साथ स्ट्रांग है, अपने गोल अपनी डेस्टिनी के साथ स्ट्रांग है ना, तब पैसा आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पेपर होगा पेपर, और अल्लाह ताला भी फिर आपकी बहुत मदद करेगा। आपका गम, आपकी खुशी, आपका उठना बैठना, आपके दोस्त, आपके वालदैन, आपके हर चीज जो आपके इर्द गिर्द है, वो सिर्फ आपके विजन के थ्रू ही चलेगी। आपकी जिंदगी में कोई गम आए, माय टीचर अदील आरफिन टेल्स मी कि बेटा विजन का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि अगर गम भी आएगा ना तो विजन उसको टेक ओवर कर लेगा, और अगर खुशी भी आएगी वो विजन के थ्रू आएगी।